सुबह के 11 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। गौ रक्षकों की गुंडागर्दी और दलितों का उत्पीड़न, दो मुद्दे जिनके सहारे बीजेपी पर लगातार हमले हो रहे थे, और इन दोनों ही मुद्दों पर पीएम मोदी बेहद सख्त बयान देते सुनाई दिए हैं। 24 घंटे में दूसरी बार मोदी ने फर्जी गौ रक्षकों को समाज के लिए खतरा बताया है, और दलित उत्पीड़न पर अब तक का सबसे कड़ा बयान देते हुए मोदी ने कहा कि दलितों को क्यों मारते हो, मारना है तो मुझे गोली मारो। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। गौ रक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौ रक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। जिन दो मुद्दों पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा था, उन पर मोदी के मन की बात बेहद सख्त अंदाज में सामने आई। तेलंगाना में मोदी ने दलित उत्पीड़न में शामिल लोगों और उस पर राजनीति करने वालों को कड़ा संदेश दिया। को प्रताड़ित करें, क्या हक दिलाए हमको, क्या देश में समाज के इन वर्गों को जो सदियों से जेलते आए हैं, क्या आप भी उनको जेलने के लिए मजबूर किया जाएगा। मोदी ने यह भी कहा कि खुद को दलितों का ठेकेदार बताने वाले ही दलितों को परेशान करके मुद्दा बना रहे हैं, और ऐसी घटनाएं समाज के लिए शर्मनाक है। इसके अलावा मोदी ने गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को 24 घंटे में दूसरी बार चेतावनी दी। मोदी ने दिल्ली के बाद तेलंगाना में कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो गौ रक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे जो स्वयं से भी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौ रक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे नकली गौ रक्षकों से सावधान हो जाइए। गौ रक्षा के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी और दलित उत्पीड़न पर मोदी के सख्त बयानों पर आरएसएस ने भी साथ दिया और अपील की कि फर्जी गौ रक्षकों का पर्दाफाश किया जाए। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए जो लोग हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनकी हरकतों से गौ रक्षा और गौ सेवा जैसे पवित्र कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वो कुछ मतलब परस लोगों का साथ ना दें। लेकिन प्रधानमंत्री के सख्त संदेश से दलितों और गौ रक्षकों का मुद्दा विपक्ष से चिंता दिखा तो फौरन जवाबी अभियान भी शुरू हो गया। मायावती ने कहा कि मोदी दिखावा कर रहे हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि मोदी बैकफुट पर है। Now the Prime Minister speaks about it. We hope that it will lead to walk the talk because his talk of pink revolution, his respective governments making such stringent laws and seeing losing political ground in Gujarat.
अगर हमारे नए प्रधानमंत्री गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर बीजेपी को देश भर में घेरा जा रहा था, लेकिन शनिवार को मोदी ने पहली बार गाय पर सीधी बात की। दरअसल मोदी समझ रहे हैं कि ऊना की घटना से दलितों को बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था। मोदी गाय के मुद्दे पर अपने सख्त बयानों से सबका साथ सबका विकास के अपने नारे को फिर मजबूती से रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर ने मोदी के इस बयान पर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो सही नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। आप घर के जब बुजुर्ग हो तो आपकी एक न्याय की भूमिका होनी चाहिए, और न्याय की भूमिका यही होती है कि भाई जिसने अन्याय किया है उस पर आपने कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि भैया तब आप दलितों को मारने के बजाय मुझे मारिए, तो इसका मतलब यह है कि आप उस पद की गरिमा नहीं रख रहे हो। देखिए, पिछले दो दिनों से प्रधानमंत्री के बयानात लगातार आ रहे हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया है कि गौरक्षक के नाम पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो रात में गुनाह करते हैं, दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं, इन लोगों से सख्ती से निपटा जाए, और ये अगर किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो रोका जाए। हम इस बयान का स्वागत करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सरोकार से जुड़े हुए सवाल, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल, देश के सौहार्द से जुड़े हुए सवाल को राजनीति से हमेशा ऊपर उठ करके देखते रहे हैं, और उनकी ये अपेक्षा भी रही है कि इस तरह के मामलों में पूरा देश एकजुट होना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी एकजुट होना चाहिए, और इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग पॉलिटिकल प्रोजिडिस माइंडसेट से, जो राजनीतिक पूर्वाग्रह के मानसिकता के साथ सोचते हैं, उनको तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, और न उनको संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी का ये कोई इस तरह का संदेश है। और गोरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी के लगातार दो दिन दिए बयानों को लेकर शिवसेना ने निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए नरेंद्र मोदी से पूछा है कि गोरक्षकों के गोरख धंधे का जिम्मेदार कौन है। सामना में यह भी लिखा गया है कि गोरक्षा के नाम पर ट्रकों को रोककर वसूली करना और फिर इन्हीं गायों का सौदा करने का यह धंधा भयानक है। शिवसेना ने सवाल उठाया है कि मुंबई जैसे शहर में शाकाहार के नाम पर कई बिल्डर्स ने मांसाहार करने वालों को घर नहीं देने का उद्योग शुरू किया है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि इन शाकाहारियों पर भी कठोर प्रहार करके उन्हें रास्ते पर लाएं। कोई क्या खाए ये उसका अपना मामला है। तो शिवसेना नेता मनीष कायंदे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि गुजरात में बीजेपी का जनाधार घट रहा है, उसी के मद्देनजर पीएम को ये बात बोलनी पड़ी। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक पीएम ने ये बात किस मकसद से बोली है इसका पता बाद में चलेगा। कहीं ना कहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वातावरण जाता नजर आ रहा है इस मामले को लेकर, और इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को इसमें कुछ न कुछ वक्तव्य करना पड़ा। इसके पहले उन्होंने इस बारे में कभी वक्तव्य नहीं किया था, मगर जो आपका कुछ बढ़ता प्रभाव है, हार्दिक पटेल भी वहां पर काफी पटेल समाज को लेकर नेतृत्व कर रहे हैं, और निश्चित ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है। और अगर ये घटनाएं ऐसी जगह घट रहे, खास करके जिस जगह बीजेपी का ज़्यादा होल्ड है और बीजेपी के वर्कर्स जो एक्टिव है उसी जगह ऐसे हो रहे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, तो बहुत दिन के बाद वो छुपी दौड़े हैं, लेकिन किस हद तक किस नियत से वो बात किए हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा बड़ी देर के बाद बात करते हैं, उसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं मुझे मालूम नहीं। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के मुताबिक गाय सेवा के नाम से कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर पीएम को सामने आना पड़ा। कभी कभी समाज के अंदर कुछ बुरे एलिमेंट भी होते हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास ऐसी रिपोर्ट आई होंगी कि कुछ लोग जो हैं गाय के नाम पर कुछ गलत तो नहीं करते हैं।
इसलिए जो गाय के नाम पर अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं और उसके मूत्र से औषधियाँ बना रहे हैं, दूध से तरह तरह के व्यंजन बना रहे हैं, गोबर से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने उनको कहा वो ठीक काम कर रहे हैं, परंतु जो कभी कभी गलत काम करते हैं उनके प्रति उन्होंने वारण किया है। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बातचीत करने के लिए। रविंद्र, विपक्ष विपक्ष है, पहले ये कह रहा था कि इतना बड़ा मुद्दा है, इतने तमाम मामले सामने आ गए हैं, प्रधानमंत्री क्यों चुप है, अब जब उन्होंने बोल दिया है तो इस पर भी निशाना साध रहे हैं कि इसके पीछे मंशा क्या है। देखिए नंदिता, जाहिर तौर पर सियासत है और खासकर अगर जहाँ पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दलित एक बड़ा वोट बैंक है, सभी पार्टी चाहती है कि उस वो वोट बैंक उनके पाले में आए, इसलिए काफ़ी दिनों से आपने देखा कि इस पर सियासत भी हो रही थी और ऊना में कई नेताओं ने वहाँ पर दौरा भी किया। आखिरकार प्रधानमंत्री ने सख्त संदेश दिया है। देखिए, कोई प्रधानमंत्री चाबुक लेकर जाता जा नहीं सकता, वो संदेश और निर्देश ही दे सकता है। संदेश साफ है, बीजेपी, आरएसएस, कोई भी गौरक्षा के नाम पर इस तरह का अत्याचार करता है उसके साथ नहीं है। और निर्देश सभी राज्यों का है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और देखिए कि पंजाब जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में कार्रवाई शुरू भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर भले ही विपक्ष आरोप लगाए, जैसा कि हर बार होता है कि देर से बोले हैं, लेकिन दुरुस्त बोले हैं, इस पर कोई इंकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और खबर ये भी मिल रही है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर अब ये कवायद शुरू भी कर दी गई है कि जो गौरक्षा के नाम पर इस तरह की धंधा कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए।